बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो आज का जो लेक्चर है वो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के बारे में है कि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स होता क्या है, उसको कैसे कंप्यूट किया जाता है, और फिर उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की बेस पे लेक्चर अपना प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट किया जाएगा या रिजेक्ट किया जाएगा, ये आज हम सीखेंगे। कोई दो तीन एग्जाम्पल्स लेंगे ताकि हम अंडरस्टैंड कर सकें थॉरली कि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैसे कंप्यूट किया जाता है। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की जो डेफिनेशन है ये मैंने पहले भी आप लोगों को बताई है। बेसिकली ये एक रेशो है टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज की टू द इनिशियल इन्वेस्टमेंट। यानी टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो हमने अभी पीछे नेट प्रेजेंट वैल्यू में भी फाइंड करना सीखा है, ठीक है, तो वही फाइंड करना है और उसको इनिशियल इन्वेस्टमेंट पे डिवाइड कर देना। तो आपके पास प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स या कॉस्ट बेनिफिट रेशियो, इसका दूसरा एक नाम भी था आपको पता है, इसको कॉस्ट बेनिफिट रेशियो भी कहते हैं, ठीक है। तो चलते हैं जी आज की एग्जांपल की तरफ। एग्जांपल है कि प्रोजेक्ट इनिशियल कॉस्ट 1000, इट हैज़ अ कॉस्ट ऑफ कैपिटल इक्वल्स टू 10% एंड एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस नेट कैश फ्लो at the end of first year 500, at the end of second year 400, at the end of third year 300, at the end of fourth year 100, compute project's profitability index। तो चलते हैं जी सॉल्यूशन की तरफ। पहले ईयर वन में देखें जी, कॉलम जो वन है उसमें आपने ईयर्स मेंशन कर देनी है, 1, 2, 3, 4। कैश फ्लो पहले साल की 500 दी हुई है, दूसरे साल की 400 दी हुई है, तीसरे साल की 300 दी हुई है, एंड फोर्थ ईयर की 100 दी हुई है। पहले इन प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर कंप्यूट कर लें, उसका फार्मूला आपको पता है 1/1 r^n। तो इसमें r 0.10 पुट करें और n फर्स्ट ईयर के लिए 1, सेकंड ईयर के लिए 2, थर्ड ईयर के लिए 3 एंड सो ऑन। तो ये आपके पास प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर आ जाएंगे 0.90, 0.8264, 0.7513 एंड 0.6830, ठीक है। अब आपने प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है तो आप कैश फ्लो को प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, यानी 2 × 3, कॉलम नंबर 2 × कॉलम नंबर 3, दिस इज़ प्रेजेंट वैल्यू। तो मल्टीप्लाई करेंगे 554.5, 330.56, 225.39 एंड 68.30। ये हमने मल्टीप्लाई किया 500 को 0.9090 से, 400 को 0.8264 से, 300 को 0.7513 से एंड 100 को 0.6830 से। तो इन इस लास्ट कॉलम का जो है ना वो आप टोटल कर लें, लास्ट कॉलम का जो टोटल है वो आएगा 1078.75। तो अब आप जो है ना प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का फार्मूला लगाएं, टोटल प्रेजेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो टोटल प्रेजेंट वैल्यू क्या है, 1078.75 डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट उसने शुरू में दी हुई थी 1000, तो ये 1.07875। तो इसकी बेस पे अब देखते हैं जी डिसीजन क्राइटेरिया क्या था। तो डिसीजन क्राइटेरिया ये था कि अगर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की वैल्यू 1 से बड़ी आ जाए, यानी ग्रेटर देन 1 आ जाए, तो हमें प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है कुछ के 1.07875 आया, ये ग्रेटर देन 1 है, इसलिए हम क्या करेंगे जी इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं जी। तो ये फर्म है, उसका 10% रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, उसके बाद जो 6 इयर्स के कैश फ्लो दिए हुए हैं, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 50,000 है, और उसके बाद कैश फ्लो ईयर 1 ईयर 2 सारे मेंशन किए हैं, ईयर 1 में 15,000, ईयर 2 में 8,000, ईयर 3 में 10,000, ईयर 4 में 12,000, ईयर 5 में 14,000 और ईयर 6 में 16,000। तो इसका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं, ये आपके सामने देखें जी। ईयर 1 की सारी कैश फ्लो गिवन है, ईयर 2 की, ईयर 3 की एंड ईयर 4 की अप टू ईयर 6 तक।
पहले कैश फ्लो लिख लें, फिर वही इंटरेस्ट फैक्टर फाइंड कर लें, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर 1/1 r 1+ r raised to power n, ये सारे फाइंड हुए हुए। फिर इस कैश फ्लो को प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। इस प्रेजेंट वैल्यू का टोटल कर लेना है, लास्ट कॉलम का टोटल करना है, ठीक है। वो देखें नीचे इसने टोटल किया भाई, ये 1 3 6 1 3 6 3 6 double 6 1 2 7 5 1 3 8 1 9 6 8 6 9 3 and 9 0 3 2, ये सारे इस कॉलम का टोटल है। और डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ये आई ओ इनिशियल इन्वेस्टमेंट या इनिशियल आउटले, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे तो 1.0736 इसका आंसर आया है। तो इट मींस के इसका भी प्रोजेक्ट जो है वो की जो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है ग्रेटर देन 1 है, तो हमें इसे भी क्या करना चाहिए, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो ये आज का लेक्चर जो था, शॉर्ट सा लेक्चर था प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के ऊपर, कैसे प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कंप्यूट किया जाता है और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की बेस पे कैसे जो है वो हम एक प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं, वो भी बता दिया। अगर आपको दो प्रोजेक्ट दे दे, दो डिफरेंट प्रोजेक्ट दे और कहे कि इनमें से कौन सा एक्सेप्ट करना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, तो आप इसी प्रोसीजर के तहत दोनों के प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कंप्यूट कर लेंगे। जिसका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ज़्यादा आएगा, यानी जिसकी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की वैल्यू ज़्यादा आएगी, आप उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया जी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर है वो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न पे होगा और वो लास्ट लेक्चर होगा, ठीक है। फिर इसके बाद ये आपका चैप्टर क्लोज हो जाएगा, फिर नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।